नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है, टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का टेस्ट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपका टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही है। सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया है, तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है। मैं जो आपको टारगेट देता हूँ कम से कम आपको 13+ का सही जवाब देना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु इज कॉल्ड द पेशेंट ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका जापान है, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी तुर्की या ऑप्शन डी ब्राजील। तो जल्दी से बताइएगा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो देखिए यूरोप का मरीज जो कहा जाता है वो आपका तुर्की को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो उगते सूर्य का देश जो कहा जाता है वो आपका जापान को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान रखना। और लिली का देश जो कहा जाता है वो आपका कनाडा को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सांपों का देश किसे कहा जाता है, तो सांपों का देश जो कहा जाता है वो आपका ब्राजील को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना कि अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन आपका गोमती है, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी या ऑप्शन डी नर्मदा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी नर्मदा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनवाया गया है, तो हीराकुंड बांध जो होता है आपका महानदी के तट पर बनवाया गया है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन को। तीन नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच लाइन डिवाइडेड इंडिया एंड चाइना, यानी कि भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब पूछा गया है, तो जल्दी से बताना है भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है। ऑप्शन आपका मैकमो रेखा, ऑप्शन बी चीन लाइन, ऑप्शन सी ड्रोन लाइन या ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा विभाजित करता है, तो भारत और पाकिस्तान को जो करता है वो आपका रेड क्लिफ रेखा बांटता है, इसे भी आपको ध्यान रखना। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो करता है वो आपका ड्रोन लाइन बांटता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन को। चार नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत बार आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिएगा भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है आपका अब्दुल कलाम आजाद को जाना जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन की ओर। पांच नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेयर इज विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड, यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है। आपको बताना है विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित होता है। ऑप्शन आपका लखनऊ है, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी गोवा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए विक्टोरिया मेमोरियल जो होता है वो आपका कोलकाता में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर होता है, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो होता है आपका कानपुर में है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, छह नंबर क्वेश्चन की ओर। छह नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज, यानी कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। जल्दी से बताना है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी असम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चावल और जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो आपका पश्चिम बंगाल जो होता है आपका जूट और चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सात नंबर क्वेश्चन को। सात नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन आपसे पूछा है, अर्जुन अवार्ड इज गिवन, यानी कि अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। आपको बताना कि अर्जुन पुरस्कार जो होता है वो किसे दिया जाता है। ऑप्शन आपका विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, ऑप्शन बी कवियों के लिए, ऑप्शन सी वैज्ञानिकों के लिए या ऑप्शन डी अभिनेताओं के लिए। तो जल्दी से बताना है अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन विशिष्ट खिलाड़ियों यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन की ओर। आठ नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, जूल इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। जल्दी से क्वेश्चन को समझिएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। पूछा है कि जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। ऑप्शन आपका ऊर्जा है, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी तापमान। तो देखिए जूल जो होता है वो आपका ऊर्जा का भी होता है और कार्य का भी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी ए और बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ नंबर क्वेश्चन की ओर। नौ नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन
क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड, यानी कि भारतीय सैन्य अकादमी कहां पर स्थित है, जल्दी से बताना है, व्हेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड। ऑप्शन है आपका देहरादून, ऑप्शन डी गया, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी हैदराबाद। तो देखिएगा भारतीय सैन्य अकादमी जो होता है वो आपका देहरादून में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को, और 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर दो मेरे दोस्त, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर दीजिएगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, क्योंकि मैंने टेलीग्राम में बहुत सारा पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दिया है और ढेर सारा ओरिजिनल पेपर का पीडीएफ भी दिया है, तो जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको दे दिया फर्स्ट कमेंट में, तो आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, सबसे पहले चांद पर किस देश ने मनुष्य को भेजा था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी यूएसए, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कौन कहते हैं तो आपका नील आर्मस्ट्रांग कहते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को, 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, यानी कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। जल्दी से बताना कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बसा है। ऑप्शन आपका नर्मदा है, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कोसी या ऑप्शन डी गंगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है नर्मदा, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को, और 12 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका 8 है, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 6। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी 7, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की, और 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है, इन विच इंडियन स्टेट इज जोधपुर सिटी लोकेटेड, यानी कि जोधपुर शहर भारत के किस राज्य में स्थित है। जल्दी से बताना कि जोधपुर शहर जो होता है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी राजस्थान। तो देखिए जोधपुर शहर जो होता है वो आपका भारत के राजस्थान राज्य में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि बस्तर जिला जो होता है वो भारत के कौन से राज्य में है, तो बस्तर जिला जो होता है वो आपका छत्तीसगढ़ में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को, और 14 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु आर द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव मैग्सेसे अवार्ड, यानी कि मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिए मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो आपका आचार्य विनोबा भावे थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर थे, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को, और 15 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, बाई व्हाट नेम इज द टॉम्ब ऑफ राजीव गांधी नोन, यानी कि राजीव गांधी की समाधि किस नाम से जानी जाती है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका महाप्रयागघाट, ऑप्शन बी राजघाट, ऑप्शन सी भीरभूमि या ऑप्शन डी अवघाट। तो देखिएगा राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम जो होता है वो आपका वीरभूमि होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अवघाट जो होता है वो किसका समाधि स्थल है, तो अवघाट जो होता है वो आपका मोरारजी देसाई का होता है, इसे आपको ध्यान में रखना। और महात्मा गांधी का जो होता है आपका राजघाट होता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो होता है आपका महाप्रयागघाट होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। आप सभी को कमेंट करके बताना कि आपका टॉप 15 में कितना क्वेश्चन सही होता है। मैं जो आपको टारगेट दिया था कम से कम आपको 13 प्लस का सही जवाब देना था, तो आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपका 15 में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।